अस्सलाम वालेकुम। कराची में ताजरों की अचानक हड़ताल। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजर एक बार फिर मैदान में आ गए। अजनास बाजार हड़ताल के सबब बंद। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं? खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं? तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चले कि कराची का अजनास बाजार विद होल्डिंग टैक्स नाफिस किए जाने पर हड़ताल के सबब आज बंद है। कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजरों का कहना है कि अशियाई जरूरियत पर 2.5% विद होल्डिंग टैक्स नाफिस किया गया है। चेयरमैन होलसेल्स ग्रोसर्स मोहम्मद अहमद मजीद के मुताबिक FBR ने अशियाई जरूरियत पर टैक्स जमा करने का विद होल्डिंग एजेंट बना दिया है। हुकूमत का ये फैसला कारोबार को मुश्किल तरीन कर रहा है। उन्होंने धमकी दी है कि दरामद पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म ना किया गया तो दालों की दरामद रोक देंगे। ताजर रहनुमा रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हुकूमत दालें खुद मंगवा ले, हम दरामद नहीं करेंगे। फैसल अनीस मजीद ने कहा कि आज जूड़िया बाजार बंद है, इम्पोर्ट स्टेज पर विदहोल्डिंग टैक्स मुस्तरद करते हैं।